स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो हमारे चैप्टर डेप्रिसिएशन को भी कंटिन्यू करेगा। इससे पहले वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करी थी अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड। आज के इस वीडियो में भी हम अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड ही एक इलस्ट्रेशन करेंगे, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन करेंगे। और वो जो मैथड होगा, मैथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो होगा, वो नॉर्मल ना होके When provision for depreciation account is maintained, इसके ऊपर हम illustration करेंगे। Students, ये illustration number 9 है, पेज नंबर 14.21, TS ग्रेवाल। इस illustration के अंदर हमें मशीन अकाउंट बनाना है और provision for depreciation account बनाना है। आपको बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। illustration करने से पहले students, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आपको रिवाइज करवा दूँ When we make provision for depreciation account, कि उसमें किस तरह से entries आती हैं और जब sale of assets होती है तो उसकी क्या general entry होती है। तो सबसे पहले entry कौन सी होगी When provision for depreciation account is maintained? सबसे पहली entry हमारी, जब हम मशीन कोई भी खरीदते हैं तो हमारी entry होती है मशीन अकाउंट डेबिट। ये तो सिंपल सी entry है, दोनों तरह के methods में ये entry आती है। मशीन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, नॉर्मली हम बैंक अकाउंट ही लिखते हैं इसके अंदर, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री तो ये हो गई हमारी। सेकंड एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज कर रहे हैं, प्रोविज़न हम एक क्रिएट कर रहे हैं, एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं मशीन अकाउंट को ना क्रेडिट करके, हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। थर्ड एंट्री है जब हम इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो P&L अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पहले किया हुआ है। अब हम आगे चलेंगे एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीन, और डिस्पोजल भी बोलते हैं, डिस्पोजल ऑफ मशीन। हमने अपनी मशीन बेची, मान लीजिए इसी मशीन को हमने बेच दिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास क्या आया, क्या है हमारे पास, कैश आया है या चेक आया है? तो हम इसकी नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट ही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन गई है हमारी तो मशीन अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं और फिर से आपको बताना चाहूँगा, जनरल एंट्रीज में अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको हर जगह दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि जनरल एंट्रीज़ को आप बहुत पक्का रखिए। एक दफ़े आप कंसेप्ट समझ गए डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, अब मैं आपको यहाँ बार बार लिख के दिखा रहा हूँ। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, आप इसको रटना नहीं है, अगर आप इसको कंसेप्ट को समझिए जनरल एंट्रीज़ के। अगर ये आप नहीं समझ में क्लियर है आपको, तो आप हर जगह आगे गलती करने वाले हो। हमने मशीन को बेचा है, मशीन हमारी कम हो गया, एसेट्स कम होती है तो हमारा क्रेडिट कर देते हैं हम उसको, बैंक हमारा कैश आया, एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अब जो हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे, मशीन बेच दिया तो उसको क्लोज भी तो करना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा ये क्रेडिट बैलेंस था तो इसको अब हमने डेबिट में लेके जाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो क्रेडिट किसको करेंगे, इसको कहाँ लेके जाएंगे, अब मशीन हमारी कम हुई है ना एक, टू मशीन अकाउंट। क्लियर है इतना? एक एंट्री और आएगी। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, मशीन बेची है हमने, कुछ टाइम यूज़ करी है उसको, उसके बाद उसको दो तीन साल चार साल बाद हमने बेचा है, तो अब ये तो देखना चाहेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन केस अगर लॉस होता है तो हम लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कर लीजिए, मीन्स P&L अकाउंट, P&L अकाउंट को हम डेबिट करेंगे
टू मशीन अकाउंट, नेचुरली मशीन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, हमारी मशीन अकाउंट जो है कम हो गया एसेट्स। इन केस हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें जो मशीन सेल करी इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई ना, तो मशीन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, और इसमें लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज़ हैं, इन जनरल एंट्रीज़ के बेस पर ही हमारे सारे क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। अब हम जो इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो करने वाले हैं, उसमें ये सारी जनरल एंट्रीज़ काम आने वाली हैं। इसमें मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा, दोबारा से रिकलेक्ट करना चाहूँगा। जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम मशीन की वैल्यू हम एवरी ईयर सेम दिखाते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते हैं, उसको हम रिड्यूस नहीं करते जैसे कि हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट में करते हैं। मशीन की वैल्यू वही रहेगी 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितनी भी उसकी लाइफ है, लेकिन हमारा जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को एक्मुलेट करते रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 5000 है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5000 रुपीज़ से, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने 5000 में दिखा दिया फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में हम फिर से 5000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में हम एक्मुलेट करेंगे, मींस इसको अब ऐड कर देंगे, इस 5000 को इस 5000 में ऐड कर देंगे और हम प्रोविज़न दिखाएंगे अब 10000 का। थर्ड ईयर में हम फिर से 5000 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में हम 10000 प्लस 5000 15000 हम दिखा देंगे। फोर्थ ईयर अगर और भी है, फोर्थ ईयर में हम फिर से 5000, फोर्थ ईयर में हम फिर से 5000 रुपीज़ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और यहाँ दिखा देंगे 20000। तो ये कंटिन्यू रहेगा जितनी भी एसेट्स की यूज़फुल लाइफ है, और यूज़फुल लाइफ बिल्कुल एंड में ज़ीरो हो जाएगी हमारी, तो इस कंसेप्ट को भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं, हम अपनी इलस्ट्रेशन करते हैं, 9 नंबर इलस्ट्रेशन। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो पे लगा दूंगा, मैं अभी इसको रब करता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ गुप्ता लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2017। मशीन अकाउंट रुपीज़ 8 लैक्स एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रुपीज़ 3,10,000। 1 अप्रैल 2000 की डेट में हमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो कौन सा होगा? लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम इसको अभी इसमें मशीन अकाउंट फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ये हमें दिया हुआ, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो अभी हम लिख लेते हैं। टू बैलेंस BD 8 लाख रुपीज़ की मशीन्स हमारे को बैलेंस है हमारे पास, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2017 में जो ओपनिंग बैलेंस है अप्रैल फर्स्ट बाय बैलेंस BD कितना दिया हुआ है हमें? 3,10,000। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, अब आगे चलें। ऑन 1 जुलाई 2017 ए मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर रुपीज़ 1,20,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 50,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 32,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। स्टूडेंट्स,
अब 1 जुलाई 2017 को एक मशीन बेची जिसकी कीमत 2014 अप्रैल में 1,20,000 थी, उसको बेची है 50,000 पे। और इसी दिन एक और मशीन खरीद ली है जो 32,000 की है, और उस पर CGST और SGST भी लगाया है एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से। अभी कहते हैं द फर्म डेप्रिसिएशन चार्जेस 15% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। 15% का पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है और बुक्स जो क्लोज हो रही है 31 मार्च को हो रही है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18 एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर द सेल ऑफ मशीनरी। ये कह रहे हैं कि इसी साल का, हमने एक ही साल का सिर्फ से 2017 का मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, पीछे से नहीं बनाना, 2014 से नहीं बनाना, और सेल ऑफ मशीनरी की हमें एक जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमें और इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसको लिख लेते हैं। हमें एक मशीन जो 1,20,000 की थी वो बेची है 50,000 की, और कब बेची है? 1 जुलाई को। तो हमने 2017 में जुलाई 1 बैंक अकाउंट कितने की बेची है हमने? 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। और एक मशीनरी खरीदी है हमने सेम डे पे, 2017 चल रहा है, जुलाई 1 को हमने एक मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट 32,000। अब देखिए इस मशीन पे GST और CGST लगा हुआ है, लेकिन हम मशीन अकाउंट बनाते वक्त CGST और SGST को नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने ये पहले भी आपको बोला था, CGST और SGST को हम आउटपुट से, ये हमारा जो हमने परचेज किया है, हमने क्या इसकी इसकी क्या है एंट्री बनाएंगे आप? मशीन अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST, यही बनाओगे, ये सब डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट जो हमने मशीन खरीदी है 32,000 की, 32,000 पे CGST और SGST लगा है 6%, 1,920, 1,920 प्लस में 32,000, 35,840 रुपीज़ हमने दिए और मशीन हमने खरीदी है 32,000 की। जो हमने मशीन खरीदी इसकी ये एंट्री बनेगी। इस एंड मशीन अकाउंट में हम इनपुट CGST और इनपुट SGST को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये हमारा कॉस्ट नहीं है, ये हमारा ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमें हम आउटपुट के साथ इसको सेट ऑफ करेंगे, इसलिए नहीं दिखाएंगे। अब आ जाइए इस मशीन के ऊपर जो हमने बेची है, इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी? सेल ऑफ मशीनरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट के नीचे लिखना है एकदम से टू आउटपुट CGST, आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। 50,000 मशीन में को सेल किया है, इस पे 6% यानी कि 3,000 रुपीज़ हमने CGST लगाया और 3,000 रुपीज़ हमने SGST लगाया। टोटल जो बैंक में कैश आया होगा हमारे 56,000 आया होगा। क्वेश्चन में आपको लिखा है पास जनरल एंट्री, तो एक जनरल एंट्री तो आपकी ये वाली आएगी, सेल ऑफ मशीनरी पे एक जनरल एंट्री तो आपकी ये बनेगी। अगेन मशीन अकाउंट के अंदर हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को नहीं दिखाएंगे, 6,000 ये नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इसको आउटपुट को हम पहले इनपुट से
एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, जितना पैसा बचता है उसको हमें गवर्नमेंट को देना होता है, तो हमारी ये इनकम नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम चलते हैं जिस मशीन को हमने बेचा है 50,000 रुपीज़ में। अब हमने सिर्फ से इस मशीन को ही कंसंट्रेट करना है, इस मशीन पे हमने देखना है कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है और इसको हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है इस मशीन पे। अब अभी और कुछ नहीं हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ से इस मशीन को कंसंट्रेट करेंगे। इस मशीन को हमने ख़रीदा था 1 अप्रैल 2014 में। कितने में ख़रीदा था? 1,20,000 में। यही थी कॉस्ट। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 15% हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2014 में खरीदी है, तो इसका मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। कहाँ तक चलेगा वो डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2015, ये ईयर हुआ। तो 1,20,000 पे आप अगर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 15%, तो इट कम्स 18,000। ठीक है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2015 को से अब नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया। कब तक चला ये? 31 मार्च 2016 तक चला। 18,000 फिर से लग गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। अब 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017, एक साल और निकल गया, 18,000। ये सारे डेप्रिसिएशन लग रहे हैं हमारे, डेप्रिसिएशन अमाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम पूरे पूरे साल का लगाएंगे। अब आ जाइए 1 अप्रैल 2017, अब हम करंट ईयर में पहुंच गए स्टूडेंट्स। अब कब बेचिए मशीन को? July 1st को। इट मीन्स 1 जुलाई 2017। अब हमें इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, अप्रैल मई जून का। 1 जुलाई को ये मशीन को बेच दिया गया, तो 18,000 अगर पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 12, 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3, तो 4,500 हमारा 3 महीने का डेप्रिसिएशन आता है। क्लियर है? अब हम आते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2014 को ये मशीनरी खरीदी गई। इसके बाद 1 अप्रैल 2015 को हमारा डेप्रिसिएशन कितना था? 18,000। फिर 1 अप्रैल 2016 को 18,000। फिर 1 अप्रैल 2017 को 18,000। इट मीन्स ये एक्यूमुलेट हो रहा है, हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है। तो टोटल हो गया 18,000 इंटू में 3 प्लस में 4,500, 58,500। इस मशीन से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेट हुआ हुआ है 58,500। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को 3,10,000। इट मीन्स और भी मशीनें हैं जिसका हमारा डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3,10,000 है, और यहाँ पर जो मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है वो 8 लैक्स की दिखा रहा है। जो हमने मशीन सेल करी है वो 1,20,000 की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। इट मीन्स कंपनी के पास और भी मशीनें हैं जिनका सबका बैलेंस इतना आ रहा है, और ये जो बैलेंस है 8,000 रुपीज़, ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट दिखा रहा है। इसमें इसके अंदर डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हमारी सेकेंड एंट्री क्या थी? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने क्लोज़ किया तो ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने इसको डेबिट में ले गए। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये थी हमारी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इस मशीन से रिलेटेड हम कितना प्रोविज़न को हम क्लोज करेंगे? हम जो हम डेबिट करेंगे 58,500 ही करेंगे, तो हम करते हैं यहाँ पे अब 58,000। अब कौन सी डेट में करेंगे हम? 2017 जुलाई 1st टू मशीन अकाउंट 58,000
500, ठीक है। अब मशीन अकाउंट को हमने कैडिट में दिखाया हुआ है, तो हम मशीन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कैडिट में दिखाएंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ डेट भी हमारी रहेगी जुलाई 1। इतना क्लियर हो गया। अभी हम और चल रहे हैं, अभी हम इसी मशीन को लेके चल रहे हैं, अभी एक एंट्री हमारी और बाकी है। हमने अभी ये देखना है कि सेल में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब आप देखिए कॉस्ट कितनी थी मशीन की, जब एट द टाइम ऑफ परचेज ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 1,20,000, इट्स गिवन इन द बुक 2014 में, और हमने 2017 में हमने इसको बेचा है 50,000 रुपीज़ में। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया हमने 58,500, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस पे इतना हो गया। तो बैलेंस कितना बचा हमारा, 561,500। इसकी हमारे पास अब मशीन की वैल्यू इतनी है 61,000, और हमने सेल कितनी करी है, सेल प्राइस हमारी क्या है 50,000। तो हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जिस मशीन को हमें 61,000 में बेचना चाहिए था उसको हमने 50,000 में बेचा है, तो इट मीन्स 11,500 का हमको लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी पे हमारी थर्ड एंट्री बनती है, कौन सी एंट्री बनती है, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में P&L अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे जुलाई 1 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ₹11,500 का हमको लॉस हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स मशीन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है क्योंकि लॉस हुआ है मशीन पे हमें 11,500 का। इनकेस अगर प्रॉफिट हुआ होता तो हम मशीन अकाउंट को डेबिट कर देते। अब इससे रिलेटेड क्या जनरल एंट्री एक बनी बनाई थी हमने, P&L अकाउंट को हमने डेबिट किया था और मशीन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था, मशीन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब जनरल एंट्री आप बना दीजिएगा कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ मशीन सॉरी टू मशीन अकाउंट, इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड। यही जनरल एंट्रीज आपको बनाने को कहा है क्वेश्चन में कि आप सेल ऑफ मशीनरी पे एंट्रीज बनाइए। एक एंट्री हमने बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दूसरी एंट्री ये हो गई और थर्ड एंट्री ये हो गई। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स अभी हमारा है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। हमने इस मशीन जो हमने मशीन बेची है जो 3 महीने का जो ये डेप्रिसिएशन है इसको नहीं अभी शो किया है, इसको भी हमें शो करना है। 3 महीने का इसका डेप्रिसिएशन है 4,500, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसको हमने जुलाई 1 में दिखाना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500, ठीक है। अब हमारा जो हमने मशीन सेल करी है इससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी पूरी हो चुकी हैं, इन सबको हम दिखा चुके हैं। अब हम जो बैलेंस मशीन्स रह गई हैं और जो हमने ये मशीनें ख़रीदी है इसके इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, 8 लैक्स की मशीन में से हम 1,20,000 की मशीन बेच चुके हैं, इसका अभी हमने डेप्रिसिएशन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है, और प्लस जो हमने ये मशीन ख़रीदी है 32,000 की इसका भी डेप्रिसिएशन दिखाना है। 8 लाख वाली मशीन्स पे आइए, 8 लैक्स की मशीन्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था अप्रैल 1, 2017 में, इसमें से हमने 1,20,000 की मशीन्स को हमने बेच दिया, इट मीन्स 6,80,000 रुपीज़ की मशीन्स अभी हमारे पास हैं। तो 6,80,000 की मशीन्स पे हम पूरे साल का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उसको हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो हम कौन से डेट पे लगाएंगे, 2018 मार्च, अब मार्च 31 को लगेगा, अब ये क्लोजिंग अकाउंट बन रहा है हमारा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,02,000, ठीक है।
अभी हमने इस पे लगा दिया, अब इस पे और लगाइए 32,000 वाली मशीन पे, जुलाई में लिया है तो इसका मतलब 9 महीने का लगेगा। आप 32,000 को आप 15% निकालते हैं हम, डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 9 मंथ्स, 3,600 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,600। ये दोनों हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 31 मार्च का, बैलेंस मशीन्स का, और एक जो नई मशीन खरीदी है 32,000 का उसका भी आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना, अब सिर्फ से बैलेंसिंग करना है। तो पहले मशीन अकाउंट का बैलेंस करते हैं हम। डेबिट साइड का बैलेंस करिए आप 8,32,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में भी हम 8,32,000 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स एक आपका टेस्ट चेक बताता हूँ। ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने जो मशीन सेल करी है 1,22,000 की, उससे रिलेटेड है। अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो 1,20,000 ही आना चाहिए। अगर 1,20,000 नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत है। 50,000, 58,500 और 11,500, 1,20,000। इट मीन्स जो हमारी जो कैलकुलेशंस थी इस मशीन से रिलेटेड वो सब ठीक है। अब 8,32,000 में से हम माइनस कर देते हैं 1,20,000, तो हमारे पास बैलेंस बचता है 7,12,000 बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। ये कौन सी डेट में बचा हमारे पास? 2018 मार्च 31। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी हम निकाल लेते हैं बैलेंस। पहले हम क्रेडिट साइड का निकाल लेते हैं। 3,10,000 प्लस में 4,500, 102,000 और 3,600, तो ये आ गया 4,20,100। इट मीन्स 4,20,100, और इसी को ही आप डेबिट साइड में लिख दीजिए 4,20,100। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 58,500, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस बचा है वो 3,61,600 है टू बैलेंस सीडी, और डेट आ गई 2018 मार्च 31। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इलस्ट्रेशन पूरी हो गई है। हमने मशीन अकाउंट बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया, और हमने इसकी जनरल एंट्रीज भी कर दी हैं। हमने 3 जनरल एंट्रीज बनाई थी। आप चाहें तो उस जनरल एंट्री को कंबाइन करके एक में भी कर सकते हैं। बात एक ही है, चाहे 3 बनाएं या 1 बनाएं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से कोशिश करी है कि आपको समझाऊँ अपने तरीके से। हमने थोड़ा सा जनरल एंट्रीज को रिवाइज़ भी किया, फिर हमने जनरल एंट्रीज बनाई भी हैं, और यहाँ पे भी हमने एक एक स्टेप को लेके चले हैं। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको क्लियर करूँगा, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को लेके चलेंगे, उसको पहले समझेंगे और फिर उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस भी करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नए नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।